नमस्कार दोस्तों, मैं आई हुई हूँ फैमिली के साथ नैनीताल, और यहाँ पर मैं ट्राई करने वाली हूँ सरिता नेगी के रेस्टोरेंट से पहाड़ी थाली। तासीर होती है, नॉर्मल लिटिल हो जाती है, कहने वाले का होता है ठंडी तासीर का होता है। कहते हैं जैसे चुल्तानी, आप उसको ब्लैक बीन समझ सकते हैं, सोयाबीन होता है, वाइट होता है, ये आपका ब्लैक कलर का होता है। कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है सारा पहाड़ी खाना, आयरन रिच होता है, और उसके अलावा इसकी खासियत है कि जॉइंटिस को बहुत जल्दी डिक्रीज करता है। ये पहाड़ी आलू के गुटके हैं, पहाड़ी मसाला डाल के बनाया जाता है। ये आपकी खड़ी पहाड़ी नौरत्न दाल है सर, ये भांग की चटनी, पहाड़ में 9 तरह की दालें होती है ना, उसको मिक्स करके बनाई, भांग की चटनी, ये भांग की चटनी है, भांग के बीजों से बनाई जाती है। इसमें इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बहुत होती है इसमें। इसके बाद ये जो आपको ब्लैक कलर की रोटी दिख रही है, आप ऊपर कर सकते हैं ब्लैक कलर में, नीचे था ये बनी, इसको मडवे की रोटी बोलते हैं। मडवा एक पहाड़ी अनाज होता है सर, एंटी डायबिटिक होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में करता है, तासीर इसकी गर्म होती है, रेगुलर अगर आप खाएँ तो आपको जॉइंट्स पेन भी नहीं होगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो होती है रोटी, ये लाहौर की रोटी है, इसमें मडवा अंदर स्टफ किया जाता है जिसका एक आलू पराठा। और सर आजकल ना हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है दाल मिठाई, तो उसकी जगह आपको गुलाब जामुन। बहुत अच्छी लग रही है थाली, पहाड़ी थाली है हमारी। आपका नाम क्या? मेरा नाम सरिता नेगी है, मैं सरिता नेगी जी ने सारा डिस्क्रिप्शन से बताया इसकी वैल्यू क्या है, बहुत अच्छा लगा हमें। पहाड़ी थाली आई ली और अभी इसको टेस्ट करेंगे, और आप यहाँ आए और उत्तरांचल रेस्टोरेंट में जरूर ट्राई करें, लोकल कुजीन है ये, राजमा चावल की स्पेशल थाली। आराम से मम्मी के